Hey guys, follow me on my Instagram at autoreviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell and turn on the post, stories, videos, reels notification on, so that whenever I post a content, you get notified. Before we get on with this video, I would like to give a huge shout out to the Sagar Motors Tata showroom situated in Noida for helping me out with this shoot. And I'd suggest if you have any queries regarding their cars, please feel free to drop them a call or visit the showroom. They'll be happy to help you. I'll leave all the details in the description. Namaste everyone, and welcome to another vlog from Auto Reviewer. And today in my hand is the key for Tata's Nexon. So this in front of me is the XZ Plus optional petrol manual variant, which costs about 11.10 lakhs ex showroom Delhi, and this car has been priced starting from 7.4 lakhs and ranges up to rupees 13.34 lakhs ex showroom Delhi. इस गाड़ी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते हो इसके बारे में, क्योंकि ये दिस इज़ अ वेरी हॉट सेलिंग केक फ्रॉम टाटा मोटर्स। तो चलिए अब हम इसके इंजन से शुरू करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो गाड़ी मेरे पास है पेट्रोल में, इसके अंदर आपको इंजन स्पेसिफिकेशन जो मिलेगी, दैट विल बी अ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मेटेड टू अ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बट पेट्रोल के साथ आपको सेम 6-स्पीड ऑटोमेटिक भी मिलेगा। दूसरा इंजन ऑप्शन जो आपको इसमें दिया गया है वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवट्रॉन डीजल इंजन का, तो उसमें भी आपको 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग उसके इंजन को थोड़ा गौर से देखते हैं। तो इंजन पे खोलने के लिए आपको अंदर से पहले उसको लीवर प्रेस करोगे, फिर उसके बाद यहाँ हुड के नीचे आपको एक लीवर मिलेगा, उसको आपको साइडवेज को पुश करना होगा, तब जाके आपका ये हुड ऊपर खुलता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको इंजन का लेआउट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, तो ये पावर प्रोड्यूस करता है 115 पीएस की और टॉर्क 144 न्यूटन मीटर की। जो एवरेज कंपनी अक्लेम कर रही है वो है 16 टू 21 केएमपीएल का। और यहाँ ऊपर की साइड आपको इंसुलेशन भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं काफ़ी रिफाइंड इंजन बनाने की कोशिश की गई है। सो लेट मी क्लोज दिस नाउ। या so ab let's start from the front and start begin with the walk around. So what you see in the center is this piano black finish for the grill with Tata Motors logo housing in the center. This is the humanity line, which Tata calls it, finished in chrome, gives a very nice and subtle look. Niche ki side aapko skid plate milegi with this pattern across L shaped patterns, so ye bhi aapko abhi facelifted version mein milega. उसके नीचे आपको सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट दी गई है। अब अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें, तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा फॉर द लो बीम एंड हाई बीम के लिए हैलोजन दिया गया है। दिस इज़ द एलईडी डीआरएल्स, और ये एलईडी डीआरएल्स आपकी स्विच हो जाती है इंडिकेटर्स में भी, जो कि काफ़ी सुंदर लगती है जब वो वर्क करता है। तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर हैलोजन्स में कॉर्नरिंग फंक्शन को सपोर्ट करते हुए फॉग लैम्प्स दिए गए हैं विद सिल्वर फिनिश अक्रॉस देम। तो चलिए अब हम साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, और उससे पहले हम आपको बता दें इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। द मोस्ट आइकॉनिक थिंग अबाउट दिस कार इज दैट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ इट इज़ द मैक्सिमम इन दिस सेगमेंट, सो यस आपको ऑफ रोडिंग में दिक्कत नहीं होगी। सेकंड, आप अब टायर्स पे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके 16-इंचर अलॉयज देखेंगे, विच इज़ नाइस डिज़ाइन, एंड द टायर प्रोफाइल इज 215/60R16। सो यस, कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन दिया गया है। ऊपर की साइड आपको स्कफ प्लेट मिल जाएगी ब्लैक फिनिश में। ORVMs पे चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस गाड़ी में आपको ऑप्शनल वेरिएंट है, तो डुअल टोन वेरिएंट नहीं है, तो आपको सिर्फ इसमें ORVM और ए पिलर ब्लैक एंड आउट मिलेंगे, रूफ नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आपको LED स्ट्रिप भी मिलेगी आपके ORVM पर। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा आपको फॉर द ड्राइवर साइड एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स। ऊपर की साइड आपको फ्लोटिंग रूफ लाइन बनाने के लिए रूफ रेल्स दिए गए हैं, विच आर एक्चुअली नॉट फंक्शनल।
उसके साथ छोटा सनरूफ दिया गया है आपको। पीछे की साइड ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको। सो ये आपकी कुछ एक हाई राइजिंग लाइन दी गई है टू एक्सेंचुएट द लुक्स ऑफ दिस कार, बट दिस विल इन फैक्ट इम्पैक्ट द एयरनेस इन द कैबिन। ये आपको पीछे सी प्लेयर पर ब्लैक एंड आउट मिलेगा, सो काफ़ी अच्छा लगता है कॉन्टिन्यूशन में ये लुक। तो चलिए अब हम पीछे की साइड चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या स्टोरी दी गई है इस गाड़ी में। सो अकॉर्डिंग टू मी पीछे से सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है ये गाड़ी, क्योंकि इसकी जो है टेल लाइट्स हैं दीज आर रियली स्ट्राइकिंग। आपको इसमें LED ब्रेक लाइट्स मिल जाएंगी, हैलोजन फॉर द इंडिकेटर एंड हैलोजन फॉर द रिवर्स पार्किंग लाइट। ट्रांसपेरेंट लुक दिया गया है इसको, तो काफ़ी सुंदर लगता है जब ये जलती हैं, आप देख ही सकते हो। आप लोग भी मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लग रही है ये। तो चलिए पीछे की साइड आपको यहाँ पर सिल्वर मिल जाएगा एक्सेंचुएटिंग द लुक्स, बीच में टाटा का लोगो दिखेगा। सो यस, ऊपर की साइड अगर आप देखें यहाँ पर आपको वाइपर विद वॉशर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप फॉग लैम्प दिया गया है, नीचे नेक्सॉन की बैजिंग है एंड देयर इज़ अ रिक्वेस्ट सेंसर ओवर हेयर टू ओपन द बूट ऑफ दिस व्हीकल। उसके नीचे आप आएँ तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे आपको गाड़ी के, इसमें आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिलेगा कहीं कहीं। पीछे की साइड आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, विच आर 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड 1 रिवर्स पार्किंग कैमरा। सो यस, अब हम इसका बूट ओपन करके देखें, उससे पहले हम नीचे की बात बता देते हैं। यहाँ पर आपको इसकी स्कफ प्लेट मिलती है और नीचे जो आपको एग्जॉस्ट दिया गया है वो कुछ इस तरफ आपको मिलेगा। सो चलिए अब हम बूट की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करोगे तो ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा, आपको बस प्रेस करके उठाना है। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इसकी बूट स्पेस, आपको यहाँ से रफली अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कितना मिल रहा है। सो फिगर्स बताती हैं इस वक्त आपको इस गाड़ी में 350 लीटर्स की बूट स्पेस दिखाई दे रही है, बट क्योंकि ये दोनों सीट्स आप आगे वाली देख सकते हो 60-40 कॉन्फ़िगरेशन में है, तो अगर आप एक भी सीट आगे गिरा दोगे तो भी आपके लिए रूम बढ़ जाएगा। एंड इन फैक्ट अगर आप इन दोनों सीट्स को, यस आई हर्ड इट राइट, अगर आप दोनों सीट्स को आगे गिरा दो ना, टॉपल डाउन कर दीजिए इसको आगे, तो आपको इसमें मैसिव रूम मिल जाएगा ऑफ अबाउट 690 लीटर्स। तो आप तो बहुत कुछ इसमें लोड कर सकते हो। ऊपर की साइड आपको यहाँ पर पार्शियल ट्रे मिल जाएगी, यहाँ टूल किट दी गई है, इस साइड सेफ्टी किट प्रोवाइड की गई है। स्पेयर टायर की अगर हम बात करें तो वो नीचे यहाँ पर प्लेस्ड है, यस इट्स अ स्पेस सेवर स्पेयर टायर, तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 195/60R16, इट्स अ स्टील व्हील ऑफ कोर्स। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं। यू हैव अ हैंडल ओवर हियर टू क्लोज द बूट। तो यस, तो चलिए अब हम लोग इसके रियर सीट में जाते हैं। उससे पहले हम आपको फ्यूल टैंक के बारे में बता दें कि इसकी कैपेसिटी जो है वो है 44 लीटर्स की, एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी कैपेसिटी दी गई है। सो अंदर जाने से पहले अगर हम डोर की बात करें तो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे डोर्स मिले हैं आपको, इसमें हैवी डोर फील होते हैं। अंदर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी आपको यहाँ पर बेज एंड ब्लैक इंटीरियर के साथ, दिस इज़ पियानो ब्लैक फिनिशिंग, दिस इज़ द पावर विंडो स्विच, यू गेट क्रोम ऑन द डोर हैंडल्स एंड बॉटल होल्डर आपको भी मिल जाएगा। सीट्स की बात करें तो आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल जाएंगी, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा एंड आई बिलीव इट विल गेट, यस इट हैज़ ट्विन कप होल्डर्स। ऊपर आप देखें तो आपको सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, बट बाकी दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब मैं अंदर बैठ के अगर आपको बताऊँ तो फॉर रेफरेंस आपको मेरी हाइट का अंदाज़ा हो, तो इसलिए मैं बता दूँ कि मेरी हाइट 6'4" है। और फिलहाल ये जो आप आगे वाली सीट देख रहे हो ये अपनी आगे वाली पोजीशन पे सेट है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में तो मेरे पास एम्पल लेग रूम, इनफ नी रूम आप देख सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ तो वो भी मेरी हाइट के लिए थोड़ा कम है, और अगर मैं अब आपको बताऊँ हेडरूम के बारे में तो वो भी मेरे लिए काफ़ी कम है, क्योंकि मेरा हेड अभी भी टच कर रहा है रूफ़ को, ऑल थैंक्स टू कि कूपे लाइक रूफ लाइन जो दी गई है इसमें, तो उसमें स्लांट दिया जाता है रूफ में पीछे की साइड। सो अगर आपकी हाइट मेरी हाइट से कम है तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट यस, अगर आपको मेरी हाइट की कोई है तो उसको ड्राइवर सीट ही सूट करेगी। इधर आपको इसका हैंडल और हुक की प्लेसमेंट मिल जाएगी, इधर आपको इसकी सीट बेल्ट मिल जाएंगी विच आर एक्चुअली नॉट हाइट एडजस्टेबल। अंदर की यहाँ पर सेंटर में देखें तो यहाँ पर आपको इसके AC वेंट्स भी मिल जाएंगे, और नीचे की साइड आपको यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की गई है, जो कि इससे ऊपर वाले मॉडल्स में वहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट आता है, तो यहाँ पर आपको वो नहीं दिया गया है। सीट कंफर्ट की मैं बात करूँ तो सेंट्रल में थोड़ा सा हम्प भी है, पर लेकिन आप बेटर ये होगा कि आप 2 अडल्ट और 1 किड को बीच में बिठाएं तो बेस्ट रहेगा।
सो उसके लिए आपको नी रूम का कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटर पैसेंजर के लिए। सो अभी यहाँ पर 3 पीपल कैन एक्चुअली सिट इन दिस कार, बट एडवाइजेबल यही होगा कि आप 2 कंफर्टेबली बैठें और बीच में चाहिए तो आप सेंटर आर्मरेस्ट की यूज करिए। अब हम आपको कुछ दिखाते हैं इसका फ्रंट कैबिन कैसा लग रहा है यहाँ से। तो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी क्लीन लेआउट दिया गया है जो कि काफ़ी सटल है। ऊपर की साइड आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिलेगा। लेट मी ओपन दैट, कुछ इस तरीके से है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और वहाँ पे हम बताते हैं कि वहाँ पर क्या स्टोरी है आपकी। सो लेट मी क्लोज द डोर्स। आप लोगों को मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी अभी आगे बताऊंगा इस गाड़ी के, क्योंकि ये गाड़ी जो है सेफ्टी की वजह से ही आजकल बिक रही है, क्योंकि इस गाड़ी ने बेंचमार्क सेट कर दिया था इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए चलिए पहले ड्राइवर साइड चलते हैं। तो डोर पे हम शुरुआत करें तो आपको यहाँ पर भी नीचे पियानो ब्लैक फिनिशेज विद द पावर विंडो स्विचेस, 1 टच ऑटो अप डाउन फॉर द ड्राइवर, क्रोम फॉर डोर हैंडल्स, यू गेट द ORVM कंट्रोल्स ओवर हियर, एंड ड्राइवर के लिए आप देख सकते हैं हाइट एडजस्ट मिलेगा, बट इट्स अ मैनुअल हाइट एडजस्ट। अगर अब हम अंदर से बताएं तो उसके लिए पहले अंदर बैठ जाते हैं। लेट मी क्लोज द डोर फर्स्ट। सो यस, अभी आप देखिए मैं अंदर बैठ चुका हूँ। मैं अपना फर्स्ट थॉट मेरे को यह है कि मेरे को जो यहाँ पे व्यू मिल रहा है सबसे पहले काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर स्टेयरिंग से शुरू करें तो मैं स्टेयरिंग के बारे में इतना कहूँगा काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि XZ प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है तो इसमें आपको लेदर रैप मिल जाएगा विद द स्टिचिंग अराउंड। और फिट एंड फिनिश की बात करें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। ऊपर की साइड यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक देखने को मिलेगा। ये जो प्लास्टिक है ये भी काफ़ी अच्छा फील होता है, दो इट इज़ हार्ड प्लास्टिक, एंड दिस प्लास्टिक इज़ ऑल्सो हार्ड फिनिश्ड इन ग्लॉसी फिनिश। सो यस, नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेंगी हर जगह पर, यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेंगी, बट ऑल इन ऑल अच्छा लगता है। सेंटर से यहाँ पे शुरू करें तो यहाँ पर आपको सर ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा विद फैब्रिक अपहोल्स्ट्री विच हैज़ सम अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन इट। आगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा पोजीशन मिल जाती है, पोर्शन दिया गया है फॉर कीपिंग योर फोन्स। यहाँ पर आप कीज़ भी रख सकते हो अपनी गाड़ी की इफ़ यू वॉन्ट। यू हैव अ मैनुअल हैंड ब्रेक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन मोड्स आर ओवर हियर। यू हैव सिटी, इको एंड स्पोर्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा विच इज़ फिनिश्ड इन लेदर। सो काफ़ी अच्छा फिनिश और फिट फिनिश की क्वालिटी दिखाता है ये। आगे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट विद अ USB आपको मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपको इसके AC वेंट्स, डिफॉगर्स के स्विच मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्रेस कूल का बटन भी है, एक बूट ओपनर का बटन है। यहाँ पर आपको नेक्सॉन की बैचिंग मिल जाएगी। दीज आर द AC वेंट्स इन द सेंटर। आपको यहाँ पर इसका 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट मिल जाती है। सो इस गाड़ी के हिसाब से ये 8 इंचेस की आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी छोटी है, क्योंकि कार खुद में एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है, तो इसमें आपको ये सही लगती है। सेंटर में आपको इसके इमरजेंसी हेजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा। इधर कुछ यहाँ पर आपको इसका पुश बटन स्टार्ट है, जिसमें आप देख सकते हो क्या एनिमेशन, सुंदर सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। दिस इज ऑल डिजिटल आई वुड से। काफ़ी अच्छे एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे। सेंटर में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। इधर आपको इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेड लैंप्स का फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे फॉर योर इंफोटेनमेंट राइट ओवर देयर। और इस साइड आपको जो कंट्रोल्स मिल रहे हैं, दीज आर टू कंट्रोल टू योर MID। सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाएगा आपको। सो यस, अगर मैं आपको इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी दिखाऊँ तो वो भी देख लेते हैं अभी। सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैं कहूँगा कि ये क्वालिटी इस वक्त मेरे को सबसे अच्छी लगी कंपेयरिंग टू Hyundai एंड MG। तो उनके हिसाब से थोड़ा अच्छा कैमरा क्वालिटी मिलेगी। और इसमें आपको अडैप्टिव गाइडलाइंस भी दी गई हैं। ऊपर से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट मिरर मिलेगा। यहाँ लाइट प्लेसमेंट है। दीज कंट्रोल्स आर टू कंट्रोल द सनरूफ ऑफ दिस कार, जो मैंने ओपन कर रखा है अभी। सो यस, इसमें जो बाकी फीचर्स हैं गाड़ी में वो आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, तो आप उस पर भी एक बार नज़र फरमा सकते हो। सो अब हम आगे चलें तो आगे बात करते हैं। तो यस, स्टीयरिंग फीडबैक की मैंने बात करी थी कि काफ़ी अच्छा फील होता है पूरा स्टीयरिंग। और इसमें अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो उसके लिए इस लीवर को आप आगे पुल कर इसको आप ओनली एडजस्ट कर सकते हो फॉर द टिल्ट एडजस्टमेंट। दैट इज़, आप इसको टेलीस्कोपिक के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते, ओनली हाइट एडजस्टमेंट इज़ देयर।
सो यस, नाउ लेट मी कंक्लूड दिस वॉक अराउंड, एंड कंक्लूजन में हम लोग सेफ्टी फीचर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले कहा था कि इस गाड़ी में वो इकलौती चीज़ ऐसी है जो इन्होंने इस गाड़ी के लिए ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है कि ये एक हॉट सेलिंग केक बन चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो अब कि सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं इस गाड़ी में, क्या हैं। बाकी मैं आपको बता ही देता हूँ, दिस कार हैज स्कोर्ड 5 stars इन द ग्लोबल एनकैप, और आप जानते ही है ग्लोबल एनकैप में 5 stars लाना कितना मुश्किल होता है इन सेफ्टी पैरामीटर्स। इसमें आपको जो स्टैंडर्ड फीचर्स मिल रहे हैं सेफ्टी के नाम पर, वो हैं 2 airbags, ABS with EBD, जो कि आपको बेस वेरियंट से ही मिल जाएंगे, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और तो और इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल रहा है जो कि इस बजट की गाड़ियों के लिए कोई और नहीं देता। तीसरी चीज़ आपको इसमें रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल, रेयर पार्किंग सेंसर्स एंड कैमराज, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसी चीज़ें भी मिलेंगी। अब फाइनली इस गाड़ी के वेटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो दैट विल बी अराउंड 3 months अप्रॉक्सीमेटली, बट इफ़ यू गो फॉर द नेक्सॉन ईवी उसमें तो वेटिंग पीरियड और भी ज़्यादा है, अबाउट 6 months। सो इट्स अपॉन यू कि आपको कौन सी कार चाहिए, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वॉक अराउंड। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच कॉन्टेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।